देखिए जिस तरह से सीएम को गिरफ्तार किया गया है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। आज खुद सीएम सर ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है। इतनी लंबी चौड़ी ईडी की जितनी चार सीटें दाखिल हुई हैं, उनमें से केवल चार जगह पे उनका नाम है और उसमें भी कोई सबूत नहीं है। और जिनके बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया, उनको रिहाई मिल गई, उनको बेल मिल गई। और जो पता चला है कि शरद रेड्डी बेल इसलिए मिल गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में रिश्वत दी, तो आज मुख्यमंत्री जी ने सारी सच्चाई अदालत के सामने रखी है और मुझे लगता है कि इस पर अदालत विचार करे।